तो इस साल की सबसे ब्लॉकबस्टर और सबसे बड़ी मूवी यानी कि सबसे महंगी पिक्चर बनने वाली आदिपुरुष का एक न्यू अपडेट निकल कर आया है। यार आपको ये विश्वास करना ही पड़ेगा कि बाहुबली के बाद आने वाली यानी कि बाहुबली के आने के बाद दुनिया का नजरिया मूवीज को देखने के लिए बदल चुका है, यानी कि साउथ को लेके एक अच्छी थिंकिंग बन ही चुकी है यार। क्योंकि मूवी देखने का जो एक पहले नजरिया था ना, बॉलीवुड लव थिंग लव 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 वो सब चीजें से एक दुनिया आगे बढ़ चुकी है बाहुबली के बाद। बाहुबली के एक सेशन के बाद लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई जिसने 250 से 300 करोड़ का बजट क्रॉस करने के बाद भी रुके नहीं थे, क्योंकि ओटीटी में बिकी है वो माल और अभी भी उसका नाम यानी कि हवा है। और अब आपको विश्वास ये भी करना पड़ेगा कि इस अपकमिंग मूवी का जो बजट है वो भी 500 करोड़ से ऊपर है। यार 500 करोड़ तो हवा बन चुकी है इनके लिए। और हालांकि हम सब इतना वेट कर रहे हैं इस सब चीजों के लिए कि यार पता लगता है कि यार हमारे वीडियो रिव्यूज वाले, हमारी पब्लिक, हमारे आसपास के अपने लोग भी वो भी ये सब पूछते हैं कि आदिपुरुष का क्या अपडेट है। तो आज मैं आपको आदिपुरुष का अपडेट देने वाला हूँ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें सबसे पहले, और उसके बाद बात करते हैं अपडेशन की। तो गाइस आदिपुरुष का एक न्यू अपडेट निकल कर आ रहा है। अभी हाल ही फिलहाल ये पता लगा कि रामलीला ग्राउंड में होने वाले दिशहरे के इवेंट में हमारे गेस्ट कौन रहेगा, प्रभास भाई हमारे गेस्ट रहेंगे जो कि अपनी इस मूवी को प्रमोट करेंगे। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि यार वो धनुष भी वही चलाने वाले राम बन के। ये एक बेस्ट वे है ब्रो, बेस्ट वे प्रमोशन का यार। दिमाग जिसने भी लगाया ना बहुत अच्छा लगाया यार। मतलब कि आप एक धार्मिक कॉन्सेप्ट पे मूवी बना रहे हो, साथ में उसकी प्रमोशन भी धार्मिक स्टेट से कर रहे हो, यानी कि धार्मिक प्लेस से धार्मिक का कनेक्शन रख के प्रमोशन करके, यार क्या स्ट्रेटेजी है ब्रो। और तो और इसकी एक कॉन्सेप्ट का जो वर्किंग है ना वो भी एक नेक्स्ट लेवल की क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा लोगों के अंदर। यानी कि आप कई हजारों लाखों लोगों के आगे आप अपनी मूवी का ट्रेलर चलाओगे, उसके बाद उसकी प्रमोशन ऑटोमेटिकली होगी ब्रो। आपको जरूरत नहीं है किसी यूट्यूब की, जरूरत नहीं है किसी भी पब्लिसिटी की, जरूरत नहीं है किसी की एड्स की, यार ऑटोमेटिकली उठ रहा है ब्रो। और आप अपलोड करोगे माना यूट्यूब पे, उसके एक दिन या उसी दिन जो भी अपलोडिंग होगी वो तो चलो अलग ही चल रहा है, लेकिन आप जनता को सामने लाइव दिखा रहे हो कि यार हमारी इसी टॉपिक पे मूवी आने वाली है, तो यार ऑटोमेटिकली जनता बोलेगी कि हम तो देखेंगे भाई हमारे अंदर। और प्रभास की इतनी फैन फॉलोइंग है ना यार, इतनी फैन फॉलोइंग है भाई, उसके लिए दुनिया पागल। क्योंकि एक्टिंग से लेके उसने जो बाहुबली के बाद जो अपना सीक्वल क्रिएट करा ना यार, यानी कि उसने अपनी जो वाइब्स क्रिएट करी, आई एम ऑल्सो द फैन ऑफ मूवी में कितना कुछ होता है वो सब चीज़ें तो भाई आगे की चीज़ है। क्या क्या हेटर्स निकल के आते हैं और क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आते हैं वो तो चलो, जैसे ब्रह्मास्त्र का लगा लो, ब्रह्मास्त्र का जो आगे का रिजल्ट है वो अच्छा ही निकल रहा है। देखते हैं अब क्या चीज़ें होती है। और अभी तक की अपडेट यही है कि रामलीला ग्राउंड में प्रभास आएंगे और अपनी वीडियो की प्रमोशन यानी कि अपनी मूवी की प्रमोशन के लिए वहां पे एक नेक्स्ट स्टेप का रिजल्ट। बाकी मूवी का ट्रेलर आपको देखने को मिल जाएगा 3 अक्टूबर तक। और आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दिस थिंग कि प्रभास राम के रूप में कैसे लगता है यार, क्योंकि जो एक बजट के हिसाब से बोला गया ना उस हिसाब से इसका वर्किंग ऑफ स्किल किस तरह का रहेगा उसके लिए सभी एक्साइटेड है। और हालांकि मूवी लवर्स के लिए तो बहुत बड़ा टास्क रहेगा कि क्या 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 चीज़ें, और हेटर्स तो भाई ऑलमोस्ट बोरा में इस तरह लेके रेडी बैठे हुए हैं। तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।